कार्यकाल रहेगा। सुरखी विधानसभा में जब भी बाहर का आदमी आएगा, चाहे फिलेरा हो, चाहे जैसी नगर हो, चाहे राहतगढ़ हो, चाहे सिजौरा हो, उसको लगेगा कि सुरखी की तस्वीर बदली है, फिलेरा की तकदीर बदली है। ये काम आपको दिखेगा क्योंकि काम बोलता है। भी हम फिलेरा आते थे तो सिर्फ एक मांग होती थी, वो था भैया गांव को पिला दो पानी। विपक्ष में हम विधायक रहे, विधायक रह के विपक्ष में बहुत कोशिश की लेकिन जवाब नहीं लग पाए। पिछले चुनाव में हम आए थे और चुनाव में जब लोगों ने पानी की मांग की तो हमने सबके सामने वचन दिया था कि फिलेरा में पानी आकाश से लाऊं या पाताल से लाऊंगा, पानी जरूर लाऊंगा। एक रुपया से, एक करोड़ से, दो करोड़ से, चार करोड़ से, पांच करोड़ से जितना पैसा लगेगा हम मंजूर करते हैं, घोषणा करते हैं। और मुझे खुशी है कि 4.5 करोड़ रुपया में नल जल योजना बनेगी और ऐसी नहीं, टोटी लग के फिलेरा के हर मोहल्ले में, हर घर में पानी जाएगा। आपको लगेगा कि सागर में बैठे कि फिलेरा में बैठे। फिर आप याद करोगे गोविंद सिंह को और आप कहोगे कि जो कहते हैं वो वचन निभाते हैं, चाहे उसमें नफा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे फायदा मिले। सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जहां राजनीति गर्मा गई है, वहीं पर हमारे बीच में मंत्री थे तो सुरखी विधानसभा क्षेत्र के मंत्री है और विकास यात्रा की बात कही जा रही है। हम पूछते हैं मंत्री जी, क्या तैयारी है सुरखी में इस समय पर? देखिए, सुरखी के लोगों ने बहुत अपेक्षा और उम्मीद की थी, उस अपेक्षा और उम्मीद को हम कांग्रेस के मंत्री के रूप में पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मुझे खुशी है कि भाजपा के मंत्री के रूप में आज फिलेरा आया हूँ और करोड़ों रुपया की सौगात दी है, करोड़ों रुपया के भूमि पूजन किए और खास करके फिलेरा में नल जल योजना, जो फिलेरा की 25 से 30 साल पुरानी मांग थी। पानी का बहुत संकट था, ठंड में भी कुप्पा से पानी बिकता था। आज मुझे खुशी है कि 4.5 करोड़ रुपये मैंने मंजूर किए हैं। राजघाट से पानी आएगा, टिकेरी बांध से पानी आकर यहाँ की समस्या का समाधान होगा। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैंने फिलेरा की पानी की समस्या का समाधान किया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं पर सुरखी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कोई भी विधानसभा में प्रत्याशी का नाम नहीं आ पा रहा है, इस संबंध में क्या कह सकते हैं आप? प्रत्याशी का नाम जो भी आए, प्रत्याशी का नाम आएगा, लेकिन सुरखी क्षेत्र की जनता जानती है काम करने वाला व्यक्ति कौन है, 25 साल से संबंध निभाने वाला व्यक्ति कौन है, और जो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएगा वो कुछ दिनों का मेहमान होगा। कुछ दिनों के मेहमान के बाद में जनता उसको न केवल छोड़ेगी बल्कि ऐसा सबक सिखाएगी कि वो याद रखेगा कि सुरखी और गोविंद दो दिल एक जान है। ये देखिए, 25 साल की राजनीति सुरखी में दिखाई दे रही है, जहां गोविंद राजपूत ने कह दिया है कि 25 साल के संबंध सुरखी से है। राकेश तिवारी की रिपोर्ट, अनुपान के साथ।